छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, नक्सली और जवानों के बीच यहां पर मुठभेड़ चल रही है और छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर कहा जा रहा है मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजापुर के पास जवानों ने कुछ नक्सलियों को घेर भी लिया है। तो नक्सली और जवानों के बीच यहां पर मुठभेड़ लगातार जारी है। ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चल रही है। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। बीजापुर के पास जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया है। हमारी संवाददाता प्रियंका कौशल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, नक्सलियों जवानों के बीच ये मुठभेड़ जारी है और क्या ताजा अपडेट है आपके पास पूरी खबर को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर ये मुठभेड़ चल रही है। तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स तेलंगाना की साइड से ऑपरेशन चला रही है और बीजापुर में बीजापुर पुलिस मौजूद है। तो ये सीमा पर एक मुठभेड़ चल रही है और ऐसी सूचना आ रही है कि कई सारे नक्सली मारे गए वहां पर हैं। एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन, इंटर स्टेट जॉइंट ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है। जी आरती, तो ये बताइए खबर कहां से मिली थी, कब कितने बजे मुठभेड़ शुरू हुई वहां पर? देखिए, ये बीजापुर से खबर आ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर मुठभेड़ हो रही है और ये जो जॉइंट ऑपरेशन है ये ग्रेहाउंड फोर्सेस के लीडरशिप में चलाया जा रहा है, जो तेलंगाना का फोर्स है ग्रेहाउंड फोर्स और नक्सलिज्म के खिलाफ एक बड़ा फोर्स माना जाता है, दमदार फोर्स माना जाता है। ये मुठभेड़ वहां चल रही है। कितने बजे शुरू हुई, कब शुरू हुई, इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अभी जो सूचना निकल के आ रही है कि वहां मुठभेड़ जारी है और कई सारे नक्सली मारे गए हैं। जी प्रियंका, सीएम विश्वदेव साय ने भी कहा था कि नक्सलियों के खिलाफ हमारी ये मुहिम लगातार जारी है, उसके बाद आज इस तरह की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल आरती, जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है आप देखिए लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, नक्सली मारे जा रहे हैं और ना केवल मारे जा रहे हैं उनकी बॉडी भी रिकवर कर रही है सरकार, हथियार भी रिकवर कर रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा रहा है कि अभी तक देखा जाए तो 150 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं जो मुठभेड़ हुई है पिछले 6 महीने में। आज तो बड़ी मुठभेड़ है, हालांकि इस पर जो लीडरशिप है वो तेलंगाना की तरफ से है क्योंकि ग्रेहाउंड फोर्स की लीडरशिप में ये ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। जी प्रियंका, ये भी खबरें आ रही हैं कि इस मुठभेड़ में कुछ नक्सली भी मारे गए हैं, क्या कुछ पता चल सका है, कितने नक्सलियों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आई है? अभी संख्या नहीं आई है सामने, लेकिन ये सूचना जरूर निकल के आ रही है कि नक्सली वहां मारे गए हैं। अब बॉडी वहां जब रिकवर हो जाएगी उसके बाद ही गिनती हो पाएगी कितने नक्सली मारे गए हैं। फिलहाल वहां मुठभेड़ चल रही है और जब तक मुठभेड़ चलती रहेगी आरती, आंकड़े के तौर पे कुछ सामने नहीं आएगा। मुठभेड़ थमने के बाद ही जब बॉडी रिकवर होगी उसके बाद गिनती होने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने नक्सली वहां मारे गए हैं। जी, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, पूरी जानकारी के लिए आपका।